देश में नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही चरणों में पास होने के बाद इसे देश में लागू कर दिया गया है, लेकिन कुछ राज्यों की सरकारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और जगह जगह इस बिल का विरोध भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इस बिल को लागू करने से इनकार किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजगढ़ जिला मुख्यालय पर विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह अपील की गई है कि प्रदेश में भी इस बिल को लागू किया जाए, क्योंकि नागरिकता के संबंध में प्रदेश सरकारों को बिल पास करने, मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के प्रदर्शन में शामिल हुए सांसद द्रोणमल नागर ने कहा कि नागरिकता के संबंध में केंद्र सरकार को संविधान के अधिकार दिए गए, राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई अधिकार नहीं। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि कांग्रेस के स्टैंड पर चलते हुए इस बिल का विरोध करेंगे, लेकिन देश को चलाने के लिए कांग्रेस का स्टैंड नहीं बल्कि संविधान की जरूरत है, और संविधान ये कहता है कि बिल केंद्र में यदि पास हो गया है तो उसे राज्य सरकारों को मानना ही पड़ेगा। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पास हो गया है, नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, राज्य सरकार को नागरिकता देने का अधिकार होता ही नहीं है। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम इसको मध्य प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। अरे भाई, नागरिकता देने का अधिकार आपको है ही नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हम कांग्रेस के स्टैंड पर चलेंगे। अरे भैया, भारतीय संविधान के स्टैंड पर चलो भाई। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप कांग्रेस के एजेंडे पर काम नहीं कर सकते। आप भारतीय संविधान के एजेंडे पर आपको काम करना है, और लोकसभा में और राज्यसभा में सरकार ने जिस बिल को पास कर दिया है तो इस बिल को आपको लागू करना ही पड़ेगा। और आपको तकलीफ क्यों है मेरे मित्र, आपको तकलीफ क्यों है? जो शरणार्थी है, जो लोग यहाँ पर परेशान है, हैरान है, उनको सहायता देने में आपको तकलीफ क्या है? जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को इसमें कोई स्थान नहीं है। और इससे ये माना जाएगा कि जो भी लोग इस देश के अंदर जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो घुसपैठियों को मदद कर रहे हैं। या तो घुसपैठियों को उन्होंने अपने घरों में, अपने आशियाने में कहीं ना कहीं छुपा के रखा है, या उनको कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। नहीं तो ये इस देश की अस्मिता के खिलाफ है, इस संविधान के खिलाफ है, इस देश के कानून के खिलाफ है। और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के हिसाब से चलेंगे, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुनय करते हैं कि आप कृपया इसमें हस्तक्षेप करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी